जय श्री कृष्ण साथियों, एपीजी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत युद्ध होना उस समय तक तय हो चुका था। दुर्योधन की तरफ कर्ण को पाकर कुंती विचलित थी। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कर्ण के सामने वो रहस्य प्रकट करना उचित समझा जिसे कुंती ने वर्षों से छिपा कर रखा था। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब कुंती कर्ण के महल में उससे मिलने पहुंची, उस समय कर्ण सूर्यदेव की आराधना में लीन था। आराधना पूरी हुई तो उसने अपने सामने महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता को पाया। कुंती ने कहा, कर्ण तुम यह कभी मत समझना कि तुम सूत पुत्र हो, ना तो राधा तुम्हारी माँ है और न ही अधीरथ तुम्हारे पिता। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम कुंती पुत्र हो। मेरे अविवाहित रहते हुए सूर्य के अंश मेरी कोख में आ गए और तुम पैदा हुए। लोक लाज से मैंने तुम्हें गंगा में बहा दिया था, जिसके बाद तुम राधा अधीरथ को मिले और फिर तुम उनके पुत्र कहलाए। जय श्री कृष्ण साथियों।